Friends, we are solving exercise 5.2. Okay, so today we will try to solve question number 5. The number of students in a hostel speaking different languages is given below. Display the data in a pie chart. ये हमको दिया हुआ है, languages दी हुई हैं और कितने student कौन-कौन सी language बोलते हैं. अब इसको हमें pie chart में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है? तो पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए हमको सबसे पहले तो एंगल्स फाइंड करने होंगे. हम ये नंबर पाई चार्ट में ऐसे ही शो नहीं कर सकते हैं विदाउट एंगल. ओके, तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे इसकी, ठीक है? टेबल बनाकर हम एंगल फाइंड करेंगे. ओके, लेट्स ट्राई. सी, तो लैंग्वेजेस दी हुई है ना. लैंग्वेज कौन सी है आपकी? सबसे पहले देखते हैं हिंदी. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं आपके? 72 है. ओके, ये ध्यान रहे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है हमारे 72. तो हिंदी में कितने स्टूडेंट है हमारे? 40. तो फ्रैक्शन हमारा क्या होगा? 40/72. टोटल स्टूडेंट 72 है और उसमें से 40 स्टूडेंट्स हिंदी पसंद करते हैं, ठीक है, बोलते हैं वो, है ना. तो अब हम इसका सेंट्रल एंगल निकालेंगे. देखें कैसे निकालेंगे. 40/72 × 360. अब इसको सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखें 6 से करते हैं. 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12. ओके, 6 × 6 = 36, 6 × 0 = 0. अगेन 12 × 1 = 12, 12 × 5 = 60, है ना. तो ये कितना बचा? 40 × 5 = 200 degree. क्या आया आपका? 200 degree आया, ठीक है. अब ऐसे ही हम और भी सब्जेक्ट्स का निकाल लेंगे. सेकंड आपका क्या दिया है, देखें. हिंदी के बाद क्या है? इंग्लिश है. तो इंग्लिश कितने लोग बोलते हैं? 12%. तो 12/72, इसको आप यहीं सॉल्व कर सकते हो. 12 × 12 = 12, 12 × 6 = 72. तो ये देखें क्या आया यहाँ, 1/6 × 360. निकालना है 6 × 1 = 6, 6 × 6 = 36, है ना. और 0 × 0, तो 60 × 1 कितना हुआ? 60 degree. ओके, फिर थर्ड देखें. थर्ड कौन सी लैंग्वेज है? थर्ड लैंग्वेज है आपकी मराठी. मराठी कितने लोग बोलते हैं? 9% बोल रहे हैं, है ना. तो ये हुआ 9/72. 9 × 8 = 72. ओके, तो ये आया 1/8. ये हुआ 360. तो ये देखें, 8 × 1 = 8, 8 × 4 = 32. यहाँ बचा 4, 8 × 5 = 40, ठीक है. तो ये आया आपका 45 degree, है ना. अब आता है नेक्स्ट लैंग्वेज कौन सी है. नेक्स्ट लैंग्वेज है आपकी तमिल. तमिल कितने लोग बोलते हैं? 7% बोलते हैं. तो 7/72, है ना. तो ये तो आपका डिवाइड होने से रहा, तो ये अपन डायरेक्ट करते हैं 7/72 × 360. तो ये कितना हुआ था? 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 6 = 36, 6 × 0 = 0. अगेन 12 × 12, 12 × 5 = 60. ओके, ये हुआ आपका. तो ये कितना हुआ? 7 × 5 = 35 degree. ओके, और लास्ट लैंग्वेज बचती है आपकी बंगाली. तो बंगाली कितने लोग बोलते हैं? इसको आगे ऐसे बढ़ा लें. बंगाली कितने लोग बोल रहे हैं? 4% बोल रहे हैं, ठीक है. तो 4/72, 4 × 4, 4 × 4, यहाँ बचा 3, 4 × 8 = 32. तो फिर इसको 1/18/360. ओके, तो ये देखें कितना होगा. 18 × 18, 18 × 2 = 36, 18 × 0 = 0. तो ये कितना आया? 20 degree. अब देखें, हमें एंगल मिल गए सारे, है ना. 200 degree, 60 degree, 45 degree, 35 degree और 20 degree. अब इससे हम बनाएंगे पाई चार्ट. ओके, तो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, और सर्कल ड्रॉ करने के बाद प्रोटेक्टर की हेल्प से हम इन एंगल्स को उसमें रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है. तो किसी भी रेडियस का हम एक यहां पर सर्कल ड्रॉ करेंगे. ओके, कितनी भी रेडियस आप ले सकते हैं. तो थोड़ा छोटा मैं ड्रॉ करूंगी ताकि आपको ये पूरा इधर शो हो जाए, है ना. तो एक सर्कल ड्रॉ करें सबसे पहले.
draw a circle. थोड़ा सा डिवाइडर यहाँ पर ढीला है, इसलिए थोड़ा सा ये नाटक कर रहा है, ठीक है। ये बन गया, ये हमें मिल गया पॉइंट, है ना। अब वो रेडियस हम जरा यहाँ ड्रॉ कर दें, जितनी भी रेडियस हमने की थी। तो ये सर्कल बनाना तो आसान है, सर्कल तो आप बना सकते हैं, है ना। ये दे दिया, ये पॉइंट है, ओके। अब सबसे पहला जो हमने हिंदी का निकाला, तो हिंदी में 40 स्टूडेंट्स थे और आपका एंगल कितना आया था 360 के अकॉर्डिंग 200, है ना। तो चलें फिर, ये है आपका, ये पॉइंट है मेन, है ना। तो यहां से हम 200 का एंगल बनाएंगे, ठीक है। कौन सा पॉइंट ले रहे हैं हम, राइट हैंड वाला ले रहे हैं, ध्यान रहे राइट हैंड का, ये है राइट हैंड का पॉइंट, लेफ्ट हैंड का पॉइंट ये होगा, है ना। तो राइट हैंड का पॉइंट ले रहे हैं, तो 200 जो है आपका कहाँ है देखें, राइट हैंड का ले रहे हैं तो 200 आपका यहाँ कहीं बनेगा, ये तो 180 ही है, 180 से 200 ज्यादा होगा, है ना। तो पहले 200 का बाद में करते हैं, पहले कोई छोटा वाला कर लेते हैं, ठीक है, इंग्लिश का कर देते हैं। 200 के लिए क्या करना पड़ेगा, 180 ये है ना। इससे थोड़ा सा और भी हमें यहाँ आगे 20 जो है और आगे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल छोटे वाले कर लेते हैं और जो बचा वो 200 कहलाएगा आपका, ठीक है। तो सेकेंड लैंग्वेज है आपकी 60 डिग्री, है ना, 12 स्टूडेंट्स हैं उसमें, तो 60 डिग्री। अब यही वाला हमने पॉइंट लिया है, तो 60 डिग्री देखें कहाँ आएगा, जब ये राइट हैंड का लिया है तो 60 डिग्री ये है, 60 डिग्री आपका, ठीक है। तो यहां तक हम पेंसिल से ड्रॉ कर दें, ओके। ये देखिए, ये यहां से यहां तक ये ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है। ऊपर का आपको नहीं लेना है फिलहाल, तो ये यहां तक ड्रॉ कर दिया, तो ये आपका कहलाया इंग्लिश लैंग्वेज, है ना। इंग्लिश लैंग्वेज 60% लोग बोल रहे हैं, 60 डिग्री, सॉरी 12%, 12 स्टूडेंट बोल रहे हैं, 12, है ना। अब सेकंड, अब यहीं से हम नीचे की तरफ ले लें या इसको घुमा के थोड़ा सा और बना सकते हैं आप, देखिए मैं घुमाकर आपको बताती हूँ ताकि आपको लाइन सीधी पड़े, है ना। नेक्स्ट लैंग्वेज है आपकी मराठी, मराठी है कितने लोग, 45%। तो चलिए फिर यही बीच वाला पॉइंट ले रहे हैं हम, है ना। तो बीच वाले पॉइंट में 45, कौन से लैंग्वेज, राइट हैंड वाला पॉइंट लिया हमने, तो 45 यहाँ कहीं आएगा, कहाँ है 45, ये 40 और ये है बीच में 45, ठीक है। तो हम वहां तक ना ड्रॉ करके लाइन यहीं अंदर तक ड्रॉ करेंगे, है ना। ये देखिए, ये था पॉइंट आपका, है ना। तो यहाँ से ये यहाँ तक, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितने स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स हुए आपके मराठी वाले 9 स्टूडेंट्स हुए, ठीक है। अब अगला दिया है आपका तमिल, तमिल 35 डिग्री दिया हुआ है, तो फिर यही पॉइंट लेंगे हम, है ना, यही पॉइंट लेते हैं हम। ये देखिए लाइन इक्वल करेंगे, राइट हैंड का ले रहे हैं 35, ये यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये कर दिया हमने 35, देखिए ये यहाँ से ये हो गया 35, ठीक है। 35 के बाद आता है 20, तो 35 क्या है आपका, 7 है, तमिल बोलने वाले, है ना। ये तमिल वाले हैं, ये आपके मराठी वाले हैं, ओके। अब बचता है बंगाली वाले, बंगाली वाले हैं 20%, तो फिर यही बीच वाला हम लेंगे, है ना, ये राइट हैंड का। तो 20% कहाँ है, ये दिख रहा है हमको, है ना। तो यहाँ पर डॉट रख दें हम, यहाँ से बनाएं, ये देखिए 20%, ये बना दिया। ये कितने स्टूडेंट हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं, किसके, बंगाली के, है ना, बंगाली, स्पेलिंग सही से लिख लीजिएगा। और बाकी ये जो 200% बचा, ये 200% है आपका हिंदी का, ओके। तो ये जो बचा हुआ है, ये हुआ आपका हिंदी, है ना। कितने परसेंट, कितने स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, 40 स्टूडेंट्स, ओके। तो ये हो गया आपका पाई चार्ट, तो ऐसे ही आपको बनाना है, ओके। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड, सो राइट दिस एक्सरसाइज इन योर फेयर कॉपी।